गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के नए दिन की शुरुआत हो चुके हैं। आज है 23 अप्रैल और सुबह के एग्जैक्ट 5:15 बजे और हम लोग निकल रहे हैं वैष्णो देवी का पर्वत चढ़ने के लिए। 12 या 13 किलोमीटर की चढ़ाई है और हम पैडल ही चलने वाले हैं। नो हेलीकॉप्टर, नथिंग, बस पैडल चलते चलते आपको दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या आता है। और देख के भाई, पीछे देख के देख के थैंक यू यस फॉर हेल्पिंग मी। एंड चलो चलते हैं आगे, धीरे धीरे ऊपर पहाड़ दिखा दे। यस ओके, तो वो रहा पहाड़। तो ये रहा वैष्णो देवी जी का पहाड़ और यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से, और ये है उनका मेन गेट, और ये है उनका मेन गेट। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, चलो। ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से हम लोगों ने पहली एंट्री ले ली है। ओके, तो हमारी एंट्री हो चुकी है। मेन एंट्री पे ही यात्रा पर्ची मांगेंगे, तो बाहर से ही यात्रा पर्ची लेके आओ या फिर ऑनलाइन करवा लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप यात्रा पर्ची निकलवा सकते हो। और यहाँ पे घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बहुत कुछ मिलेगा और सबका रेट डायरेक्ट एंट्री पे ही लिखा होगा। जैसे ही आप एंट्री करोगे वहीं पे लिखा होगा कि अर्धव कुमारी तक, भवन तक, वहाँ तक कितना रेट है। 1200-1400 के आसपास का रेट है। एंड या अभी जय माता जी बोलते हैं, चलते हैं। और हम लोगों ने ऐसी दो लकड़ी ले ली है जिसका रेंट है 10 रुपया और 10 रुपया डिपॉजिट देना पड़ता है, मतलब 40 रुपया दिया है और 20 रुपया वापिस रिफंड मिल जाएगा। सो या, और जस्ट सूरज निकलने वाला है थोड़ी देर में। भाई साहब, ये स्लोप काफ़ी स्टीप है, आराम से 35 डिग्री के आसपास होगा, 35-40 डिग्री के आसपास। और यहाँ पे फ़ोटो बूथ है, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ यहाँ पे खिंचा रहे हैं। ये रहा, देखो ये लाइटिंग अच्छी है, काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे। और यार ये चढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही किया, 1 किलोमीटर भी नहीं किया, बट फिर भी लगता है। सबके पसीने छूटने लगे और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। सब लोग यहाँ पे अभी चाय पीने रुके हैं क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिए। और हाँ, एक चीज़ के ध्यान रखना, पानी की बोतल ज़रूर लेके आना, हम लोग वहाँ पे भूल गए रूम पे। थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहो, नहीं तो डिहाइड्रेशन का कारण बन जाओगे और बैठ जाओगे। तो ये आ गया चरण पादुका मंदिर जहाँ पे माता जी रुके थे। तो जब भैरवनाथ माता जी के पीछे दौड़ रहे थे तब माता जी यहाँ पे रुके थे भैरवनाथ को देखने के लिए कि वो पीछे आ रहे या नहीं। तो यहाँ पे उसके चरण पादुका है, शायद रिटर्न में देख लेंगे। 8 बजे खुलता है, अभी तो बंद है। और अभी बजे 6:10, तो टाइम है, रिटर्न में शायद दर्शन कर लेंगे। हाँ, मैंने तो प्रैक्टिस की थी 15 दिन पहले रोज 45 मिनट चलता था, तो इसीलिए थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है। एंड या 2 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर भी बाकी है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेयर्स आएंगे जो कि शॉर्टकट है, जो मत लेना नहीं तो और ज़्यादा थक जाओगे। तो ये लंबाई चलो पहुंच जाओगे अच्छी तरीके से। गाइस, ये सिर्फ 40-50 सीढ़ियाँ है, वो चढ़ने में भी दम निकल गया और ये लोग उतर रहे हैं। देख लो एक एक स्टेयर के लिए मशक्क़त कितनी कर रहे हैं। तो अभी दूसरी बार हम लोग सीढ़ी ले रहे हैं, 115 सीढ़ी है ये, रही 115 लिखी हो यार। तो या अच्छी है थोड़ी, 115 ही है तो फिर चढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इतनी इतनी है बस। ये लोग तो पहले भी चढ़ के आए, 271 हाँ, तो 71 सीढ़ी चढ़ के आए, अभी मैं चढ़ता हूँ, देखते हैं थोड़ा शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हम लोगों ने आधा रास्ता कवर कर लिया है और ये दूसरी बार 165 स्टैंड, पहले 115 थी और ये 165 स्टैंड लग गई है बस, बट चढ़ जाएंगे। एजेड लोग बैग लेके चल रहे हैं,
तो हम तो यार जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, मस्त हैं, चल के जाओ। ये लोग का चक्कर तो हम लोग क्यों नहीं। तो हम लोग अर्धकुमारी तक पहुंच गए और यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है और मेरे पीछे आप देख सकते हो और आगे भी देख लो। तो ये मेरे पीछे अर्धकुमारी जी का मंदिर है और यहाँ पे हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने पर्ची कटवाई नहीं थी और पर्ची यहाँ पे आके ही कटवानी पड़ती है और नंबर लगता है 20 से 24 घंटे के बाद। तो हम लोगों ने अभी पर्ची कटवाई है और 24 घंटे के अंदर नंबर लग जाएगा। बट हम लोग तो कल निकल रहे हैं कश्मीर के लिए, बट अभी यहाँ पे आरती चल रही है। मिल्खा यस बाग आपको राजमा मिलेंगे बस बहुत हो गया। तो ये सारे रेट लिखे हुए अर्धकुमारी से कटरा तक और भवन तक के रेट्स। तो अभी हम लोग सीसीडी के स्टॉल पे खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी सीसीडी के स्टॉल मिल जाएंगे और यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं ये लोग, पियेंगे मैं नहीं पीने वाला, मैं तो सिर्फ पानी पे ही रहूँगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है। ये नया रास्ता हमने पकड़ा है, पुराना रास्ता है वो थोड़ा क्या है, वो थोड़ा हार्ड है और ये थोड़ा इजी है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती है, स्पेशली गाड़ियों के लिए बनाया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी चलती है। 1 वे का 300 रुपया चार्ज लेती है अर्धकुमारी से भवन तक पहुँचाने का, और हेलीकॉप्टर का जो है 1 वे का कटरा से लेकर भवन तक का उसका चार्ज होता है 1800 रुपया, तो वो भी अच्छा है। और ये पालकी जो है उसका चार्ज है 1800 रुपया अर्धकुमारी से जाएगा भवन तक। तो यार हेलीकॉप्टर अच्छा पड़ेगा, वही चार्ज में आपको 5 मिनट के अंदर पहुंचा देगा। जो ये रही इलेक्ट्रिक गाड़ी, ये गाड़ियाँ 300 रुपया चार्ज लेती है 1 वे का अर्धकुमारी से लेती है अर्धकुमारी से भवन तक का। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी भवन के पास। ये रहा भवन, बस यहाँ सब लॉकर ढूंढते हैं, कुछ चीज़ें पर्सनल सामान रखते, उसके बाद जाते हैं दर्शन के लिए। तो अभी मिलते हैं दर्शन के बाद और यहाँ से ही रोपवे की शुरुआत होती है। ये रही नीचे, ये पूरा जो दिख रहा है ना वो रोपवे का ही है। ये देखो, और ये शायद जाता है काल भैरव तक जाता है। चलो भाई फाइनली अपने दर्शन भी हो गए और बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर पे, जो कि वहाँ पे पूरा बस वहीं पे ऊपर जा रहे हैं। आधे पौने घंटे का रास्ता है वहाँ पे। चलो तो वहाँ पे वैष्णो देवी जी का मंदिर है और यहाँ पे हमने लंच किया है और ये सागर रत्न होटल यहाँ पे भी है, होटल मतलब रेस्टोरेंट यहाँ पे भी है और अर्धकुमारी में भी है। तो मैं अकेला ही काल भैरव जा रहा हूँ चल के, वो तीन लोग सारे के सारे घोड़े पे आ रहे हैं और मैंने स्टेयर्स लिए जो कि 351 है, शॉर्टकट है, चल लेंगे उठना, क्योंकि कब से बैठे हुए चलेगा, थोड़ी गर्मी है, चलता है। बामलाई साहिबा महाराज माधव महाराज चिराग और महाराज यशराज पधार रहे हैं। ओके तो हम लोग पहुंच चुके हैं भैरवनाथ जी के मंदिर में, पीछे उनका मंदिर है और यहाँ से व्यू ऐसा है। देयर इज अ हेलीपैड। और वो रहा वैष्णो देवी जी की गुफा। चलिए भाई, और दोपहर के अभी 1:15 बजे, बट ठंड है वहाँ पर, यहाँ पर बहुत ही अच्छी ठंड है, बहुत ही प्लेजेंट एटमोसफियर है, धूप चुभ नहीं रही है और व्यू तो आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ ये टॉप ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, भवन, यहाँ ये टॉप पे है क्योंकि मंदिर से यहाँ पे ऊपर 3 किलोमीटर और है, तो हम
मतलब 3 किलोमीटर ऊपर और आए हैं और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है और यहाँ से फोटोज तो आ ही रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख लेना, यहाँ पे इंस्टाग्राम अपनी आईडी है, वहाँ पे देख लो। भाई साहब छू ना वो आप लोगों के लिए एक टिप है, ये रास्ता जो है वो पुराना रास्ता है, मत जाइएगा ऊपर जाना हो तो। अर्धकुमारी के ये एंट्री गेट है, वहाँ से सामने के साइड वहाँ से मत जाइएगा। बट ये जो टनल वाला नया रास्ता है ये रहा, वहाँ से जाओ, थोड़ा लंबा पड़ेगा पर बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये जो है बारिश हो रही है और व्यू यहाँ से सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से ये बादलों की वजह से काले घने बादल। तो जस्ट अभी नाश्ता करते यहाँ से बाहर निकला है सागर रत्न से और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। आई थिंक पूरे दिन में 1 ही घंटा धूप थी, बाकी टाइम पे ऐसा ही माहौल था, क्लाउडी वेदर था पूरा का पूरा। और अभी तो थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है तो बहुत मज़ा आएगा चलने में। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं वैष्णो देवी के दर्शन करके। टोटल 13 घंटे लगे हम लोगों को क्योंकि यश के पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उसका पैर बहुत ज़्यादा दुखने लगा था, घुटनों के थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसको क्योंकि बीच में उसका गिर गया था, इसी वजह से थोड़ा 1.5 घंटा लेट हो गया, वरना 11 घंटे या फिर 10 घंटे में ही नीचे आ जाते। ये रहा एंट्री गेट और हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी होटल की तरफ, 1 किलोमीटर के ही है बस, हो जाएगा। तो मैं रूम पे आ चुका हूँ, एज यू कैन सी मैं अपने रूम पे ही हूँ और मेरी तो फटके चार हो गई है, मेरी ने सबकी फटके चार हो गई है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि खाए बिना ही मैं सो जाऊँ क्योंकि मुझे खाने की बिल्कुल भी वो नहीं है, नहीं तो मैं खा लेगा रास्ते में। ये लोग नाश्ता करके आए हैं और मैं तो बस यही आ गया, थोड़ा फ्रेश हो गया, थोड़ा मस्त लुक कर दिया ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में कर दो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज का दिन बहुत ही मज़ा आ गया। टोटल 30-31 किलोमीटर हम लोग चले होंगे, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा हो गया और हम लोगों ने 50,000 के ऊपर स्टेप कर लिए। चलो